Godfather beer. Can it offer me something that I can't refuse? Today we'll find out. Welcome guys, welcome to MB's Man Cave. And today we will open the lid of Godfather beer. Beer Thursday आते ही मेरा जो दिल है एकदम garden garden हो जाता है क्योंकि दिल्ली की इस वक्त हालत बहुत बुरी है. 46 degree temperature हो गया है दिल्ली में. हालत इतनी बुरी है कि मैं नीचे यहाँ पे towel लगा के बैठा हूँ. तो इस गर्मी का एक ही साथी है वो है एक ठंडी बियर. तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं गॉडफादर बियर. पब्लिक की जबरदस्त डिमांड थी कि भाई गॉडफादर बियर को लाया जाए इस चैनल पर. आई एम श्योर आपने गॉडफादर मूवी तो देखी होगी और ये गॉडफादर बियर है जो कि हॉलीवुड से बबलूवुड तक का सफर तय करके आई है. ऑनेस्टली आई वॉज नॉट अ बिग फैन ऑफ स्ट्रॉन्ग बियर्स क्योंकि इंडिया में स्ट्रॉन्ग बियर के नाम पर नागराज का कोड़ा जहर बेचा जाता था. बट पिछले 8-8 सालों से आई हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग स्ट्रॉन्ग बियर्स बिकॉज कई नई ऐसी ब्रांड्स आई हैं, कई नई ऐसी बियर्स आई हैं जो मुझे ऑनेस्टली काफ़ी अच्छी लगी स्ट्रॉन्ग बियर के हिसाब से. एंड सिंस देन आई वॉज थिंकिंग कि क्यों ना एक बार जो पुराने ब्रांड्स हैं उनको दोबारा ट्राई किया जाए. हो सकता है कि कोई ऐसी ब्रांड निकल आए जो अच्छी हो. जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने बडवाइजर मैग्नम ट्राई करी जिसका मैंने रिव्यू भी करा एंड ऑनेस्टली आई फाउंड इट अ गुड बियर जो कि मैंने सोचा नहीं था ऑनेस्टली. और वैसे ही गॉडफादर बियर जो है एक पुरानी बियर है, पुराना ब्रांड है. इट हैज़ बीन देयर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. सो आई थॉट व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई एंड लेट्स सी इफ इट टर्न्स आउट टू बी गुड. ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है गॉडफादर बियर की हिस्ट्री के बारे में. बट जो इस बियर को बनाते हैं डिवांस मॉडर्न ब्रूरी, ये लॉन्च हुए थे 1961 में और इसे लॉन्च किया था दीवान ज्ञान चंद जी ने. ये मेरा एक दोस्त हुआ करता था पुराने ऑफिस में, उसका नाम था बहादुर. वो एक बार क्लाइंट साइड पे गया एक साल के लिए यूके में और जब वो वापस आया एक साल के बाद तो उसका नाम चेंज हो गया बहादुर. तो जैसे बहादुर बहादुर बन गया वैसे ही ये दीवान जी ने डिवांस बना दिया है. एंड दिस बियर कम्स ऑल द वे फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. आई डोंट थिंक कि मैंने और कोई बियर ट्राई करी आज तक जो जम्मू एंड कश्मीर से आई हो. इनफैक्ट आई डोंट थिंक कि मैंने कोई और अल्कोहल बेवरेज ट्राई करी है जेएनके की. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई होप जैसे मेड्यूसा बियर से मुझे पंजाब की मिट्टी की खुशबू आई थी तो वैसे ही मुझे इस बियर में से जम्मू एंड कश्मीर की मिट्टी की खुशबू आए. प्राइस है इस बियर का ₹120 फॉर दिस बिग 650 ml बॉटल इन दिल्ली. और ये प्राइस बिफोर 70% हाइक का है बिकॉज होपफुली वो प्राइसेस वापस रिवर्स हो जाएंगे. दैट्स व्हाई आई ओनली मेंशन द ओरिजिनल प्राइस. और अल्कोहल परसेंटेज है इसकी 6.5%. तो एक स्ट्रॉन्ग बियर है. बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इस बियर में मॉल्ट के साथ साथ राइस भी यूज़ करे गए हैं एंड इसके इंग्रेडिएंट्स में शुगर भी मेंशन्ड है. सो दैट इज़ अ बिट डिसअपॉइंटिंग टू हेयर. बट लेट्स टेस्ट द बियर एंड लेट्स होप कि इसका जो टेस्ट होगा वो डिसअपॉइंट नहीं करेगा. सो लेट्स ओपन द बियर एंड गिव इट अ ट्राई. ग्लास में पोर कर लेते हैं अपने. एकदम पेल गोल्डन कलर है इसका और आई थिंक काफ़ी अच्छे से कार्बोनेटेड है बिकॉज आई कैन सी द बबल्स गोइंग अप. काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं एंड फ्रॉथ बना हुआ है अभी तक. ऑलमोस्ट 1.5 inch का फ्रॉथ है इसका. धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है बट सो फार सो गुड. लेट्स चेक द अरोमा. स्लाइटली ऑन द स्वीटर साइड जो अरोमा है इसका मे बी स्लाइटली मुझे कार्डबोर्ड वेट कार्डबोर्ड जैसा अरोमा आ रहा है मुझे जो कई बियर से आता है. नॉट लॉट ऑफ हॉप्स, अ बिट ऑफ सिट्रस बट लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई और पी के देखते हैं कि टेस्ट में कैसी है बियर. एक स्वीट बियर है बट वो जो स्वीटनेस है वो मॉल्टी स्वीटनेस नहीं है जो एक
maltiness सी लगती है एक beer के अंदर. Alcohol का punch है, एक bitter सा aftertaste है इसमें. हल्की हल्की grassiness भी है. Have to say कि इसकी जो कार्बोनेशन लेवल है थोड़ा सा ज़्यादा है जितना होना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा नहीं है जैसे किंग फिशर बियर्स का होता है, बट स्लाइटली ऑन द हायर एंड. नॉट अ लॉट ऑफ हॉपीनेस गोइंग ऑन, ऑल्दो आई विल से दैट इट्स अ बिट रिफ्रेशिंग बियर, बट एक बिटर आफ्टर टेस्ट है इस बियर का विच इज़ नॉट दैट प्लेजेंट. दिस इज अ प्रीटी ओके बियर आई वुड से. जैसे मैं बोलता हूँ कि इससे अच्छी बियर मिलेंगे आपको बहुत सारी, बट इससे बेकार बियर भी हैं बहुत सारी इस प्राइस रेंज में. आई विल से इसका जो प्राइस है इसे एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है. 120 रुपीस फॉर अ 650 ml बॉटल आई थिंक एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पेटिटिव प्राइस है. इनफैक्ट इवन मेड्यूसा जो है वो आई थिंक 140 की है जो उसकी बॉटल है. सो इट्स डेफिनेटली अ ग्रेट ऑप्शन. आई एम नॉट सेइंग इट टेस्ट वाइज इट्स अ ग्रेट टेस्टिंग बियर, इट्स अ डिसेंट टेस्टिंग बियर, बट इसका जो प्राइस पॉइंट है इसे एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है. एज फार एज फूड पेयरिंग इज कंसर्न, मेरे ख्याल से आई थिंक एक अच्छा स्पाइसी फूड आप इसके साथ ले बहुत अच्छा रहेगा. चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन, सोया चाप, कप. एंड अगर बात करें स्कोरिंग की, आई थिंक एक अच्छी बियर है, डिसेंट बियर है. आई एज ए सेट ऐसा नहीं है कि बहुत माइंड ब्लोइंग है, बट देर इज नथिंग बैड अबाउट दिस बियर. इट्स अ प्रीटी डिसेंट बियर, सो आई विल गिव इट 7.5 out of 10. और अगर मैं बात करूँ वैल्यू फॉर मनी की, बिकॉज वैल्यू फॉर मनी इज द प्लेस जहाँ बियर शाइन करती है, एंड आई थिंक इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर 120 रुपीज, सो आई एम गिविंग इट 9.3 out of 10 फॉर वैल्यू फॉर मनी. तो इसका MB's मैन केव स्कोर होता है 8.4 out of 10. सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो गॉडफादर बियर के ऊपर. कैसा लगा है आपको बताइए कमेंट्स में. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स.